हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो देखिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पॉलिनोमियल में भी समझा था, और आपने 8th क्लास में भी 9th क्लास में भी अच्छे से पढ़ा है कि अगर आपके पास इक्वेशन है तो कैसे फैक्टर बनाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी होती है वो किस फॉर्म में होती है। तो उसकी जो जनरल फॉर्म है वो कैसे होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब सभी टीचर्स बताते हैं भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, लेकिन एक चीज़ कई टीचर्स नहीं बताते क्या, कि यहाँ पर कंडीशन होती है कि ए जो है उसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर देखो बाय चांस ए की वैल्यू यहाँ पर जीरो हो जाए तो एक्स स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी। तो इसीलिए ये एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। क्या होगी, लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें डिग्री कितनी हो, टू। तो इसमें डिग्री टू है तो ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ए की वैल्यू जीरो हो जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना रहकर क्या बचेगी, लीनियर इक्वेशन बचेगी। तो इसलिए पूरी डेफिनेशन क्या रहेगी कि यहां पर ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल होना चाहिए और एक जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हमें यहां पर यही चेक करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, क्या, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या फिर नहीं, और आपको ये 8 पार्ट दे रखे हैं, तो अगर इनको सॉल्व करके ये इस फॉर्म में आ जाते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो वन बाय वन सभी को चेक कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल ही आसान चैप्टर है और इससे क्वेश्चंस पक्का आते हैं, तो इस चैप्टर को अच्छे से समझें। देखिए भाई, फर्स्ट पार्ट में क्या कहा इसने, फर्स्ट पार्ट में है x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू एक्स माइनस थ्री। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी आपको लगती दिखाई दे रही है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो वही आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर क्या होता है, वन होता है, और 2 इंटू एक्स इंटू वन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू एक्स 2x, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6। अब यहां पर एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस 2x एज इट इज, अगर इन नंबर्स को इधर लेकर आता हूं मैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x, और ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस का हो जाएगा। तो क्या आ गया आपका, एक्स स्क्वेयर 2x माइनस 2x कितना बचेगा, 0x, और 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 7। तो ये आपकी किस फॉर्म में हो गई, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में हो गई। और मैंने कहा था अगर इस फॉर्म में हो जाए तो हम क्या कह देंगे, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि ये अपने आप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। तो उम्मीद है ये फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया, तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद सेकेंड पार्ट करते हैं। तो भाई जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में इसने क्या कहा, सेकेंड पार्ट में आपको गिवन है एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इंटू थ्री माइनस एक्स। अब यहां पर एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स एज इट इज, अगर इस माइनस टू को अंदर लेकर जाते हैं तो थ्री टू जा क्या रहेगा, माइनस एक्स, और माइनस टू इंटू माइनस एक्स क्या रहेगा, प्लस का टू एक्स। अब यहां पर एक्स स्क्वेयर एज इट इज माइनस टू एक्स भी एज इट इज, ये टू एक्स प्लस का है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, सिक्स माइनस का है इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो आपका ये आ गया। अब यहां पर एक्स स्क्वेयर 2x और 2x, देखो दोनों के आगे माइनस है, माइनस माइनस होता प्लस है लेकिन साइन माइनस का रहता है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस का 4x, और प्लस में 6 इज इक्वल टू जीरो। तो वही अगर इसको भी कंपेयर करें, ये भी किसी फॉर्म में है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में है। अगर इस फॉर्म में हो तो ये भी क्या रहेगा, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपका सेकेंड पार्ट भी सोल्व हो गया, तो एक बार इसको नोट डाउन करें। उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, थर्ड में है x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन किसके इक्वल है भाई, x माइनस वन और x प्लस थ्री, तो x माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। अब अगर इनको सोल्व किया जाए तो हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, x को 1 से करेंगे तो x, माइनस टू को x से करेंगे तो माइनस का 2x, और माइनस टू को 1 से करेंगे तो माइनस का 2। ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू थ्री थ्री एक्स, माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स, और माइनस वन इंटू थ्री माइनस का 3 हो जाएगा। अब इन सभी को इधर ले आओ, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस टू, यहां पर क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर थ्री एक्स माइनस एक्स टू एक्स, और ये माइनस का 3। इन सभी को इधर ले आओ, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ये इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, ये 2x इधर आएगा ये भी नेगेटिव, और 3 इधर आएगा ये पॉजिटिव, इज इक्वल टू 0। अब यहां पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा तो क्या बच गया भाई, माइनस एक्स और माइनस टू एक्स कितना हो गया, माइनस का 3x, और माइनस टू प्लस थ्री वन इज इक्वल टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो है ही नहीं, अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा, नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया भाई, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए एक बार। फोर्थ पार्ट में इसने क्या कहा, एक्स माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू किसके इक्वल है, x इंटू एक्स प्लस फाइव, सो मैंने लिख दिया x इंटू एक्स प्लस फाइव। तो इनको अगर सोल्व किया जाए, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे तो x, माइनस थ्री को 2 से करेंगे तो माइनस 6x, और माइनस थ्री को 1 से करेंगे तो माइनस 3। ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू फाइव क्या हो जाएगा 5x। ये समझ में आया भाई सभी को। अब 2x स्क्वायर प्लस देखो x माइनस 6x कितना हो जाएगा, माइनस का 5x माइनस 3, ये इधर आएगा तो x स्क्वायर कैसा हो जाएगा माइनस का, और 5x भी कैसा हो जाएगा भाई माइनस का हो जाएगा। तो यहां पर 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या बच गया x स्क्वायर, और माइनस 5x कितना हो गया माइनस 10x, और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका किस फॉर्म में हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है। तो इसलिए क्या कह सकते हैं, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि ये अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो इसको नोट डाउन करें एक बार। भाई नेक्स्ट में इसने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर मतलब फिफ्थ पार्ट में, 2x माइनस वन, 2x माइनस वन इंटू में x माइनस थ्री है, तो मैंने x माइनस थ्री लिखा, किसके इक्वल है x प्लस फाइव और x माइनस वन। तो अगर सॉल्व किया जाए तो 2x को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2x को 3 से करेंगे तो माइनस का 6x, माइनस वन को एक्स से करेंगे माइनस एक्स, और माइनस माइनस प्लस यानी कि 3। ऐसे यहां पर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वन माइनस एक्स, फाइव इंटू एक्स फाइव एक्स, और फाइव इंटू वन माइनस का 5। अब 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स, माइनस माइनस होता प्लस है लेकिन साइन माइनस का रहता है, तो इसलिए क्या रहेगा ये माइनस का 7x और प्लस में 3। ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर 5x माइनस एक्स कितना हो गया 4x और माइनस में 5। इन सभी को इधर ले आओ तो क्या बचा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये इधर आएगा तो x स्क्वायर माइनस हो जाएगा,
फोर एक्स भी माइनस का और 5 कैसा हो जाएगा प्लस का इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स किसके इक्वल रहेगा x स्क्वायर के। माइनस 7x माइनस 4x किसके इक्वल आ गया माइनस 11x और 3 प्लस 5 कितना हो गया 8 इज इक्वल टू 0। तो अगेन ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई नोट डाउन कीजिए एक बार इसको। अब सिक्स पार्ट में इसने क्या कहा, सिक्स में इसने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर तो वही सोल्व किया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 किसके को आ जाएगा। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इनको इधर ले आओ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस हो जाएगा 4 इधर आएगा 4 भी माइनस और 4x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा 3x प्लस 4x 7x और 1 माइनस 4 माइनस 3। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है वो टर्म नहीं है तो इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा 9। तो ये पार्ट भी एक बार नोट डाउन करें। भाई नेक्स्ट में क्या है सेवंथ पार्ट में, सेवंथ में इसने कहा कि x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा a का क्यूब प्लस बी का क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है भाई 8 प्लस 3ab यानी कि 6x और इंटू में a प्लस बी। भाई हमने आइडेंटिटी लगा दी a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी ये आपने पढ़ी थी। और माइनस वाले में क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब किसके इक्वल a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी माइनस वाले में आपका माइनस आ जाएगा। तो मैंने ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ की और यहाँ पर इसको अगर अंतर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x क्यूब और 2x को 1 से करेंगे तो 2x। अब यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x इंटू एक्स 6x स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा 12x और यहाँ पर क्या है आपका 2x क्यूब माइनस 2x इनको इधर ले आओ क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x ये इधर आएगा माइनस का 2x क्यूब और ये इधर आएगा प्लस का 2x इज इक्वल टू 0। तो क्या बचा है देखो माइनस 2x क्यूब और प्लस एक्स क्यूब कितना आएगा आपका माइनस का एक्स क्यूब और 6x स्क्वायर और 12x प्लस 2x 14x और ये प्लस में क्या है 8। तो यहाँ पर देखो क्यूब आ गया लेकिन हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है ये तो क्यूबिक इक्वेशन हो गई तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा 9। इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद है आपको समझ में आया क्योंकि यहाँ पर क्यूब बच गया क्यूब नहीं रहना चाहिए था। तो ये आपका सेवन्थ पार्ट भी हो चुका है। उसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट एट्थ। भाई एट्थ में इसने क्या कहा एट्थ में एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो एक्स माइनस 2 का होल क्यूब देखिए ये चीजें एज इट इज रहेंगी तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये यहाँ पर आइडेंटिटी लगे कौन सी a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा x का क्यूब 2 का क्यूब 8 तो माइनस का 8 माइनस 6x और क्या आएगा x माइनस 2।
तो यहाँ पर सॉल्व किया जाए, ये तो एज इट इज एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एज इट इज, ये क्या आ जाएगा भाई आपका एक्स क्यूब माइनस एट माइनस सिक्स एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, और माइनस सिक्स एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ट्वेल्व एक्स। अब देखिए इन सभी को इधर ले आओ, इधर लेकर आएंगे तो क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये एक्स क्यूब इधर आएगा माइनस का, एट आएगा प्लस का, ये भी प्लस का हो जाएगा, और ट्वेल्व एक्स कैसा हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हुआ, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर कितना बचेगा टू एक्स स्क्वायर, ऐसे ही माइनस एक्स और माइनस ट्वेल्व एक्स कितना हो गया माइनस थर्टीन एक्स, और क्या आएगा आपका एट प्लस वन नाइन। तो अगर आप ध्यान से देखें ये किस फॉर्म में हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा येस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए कितना आसान था, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो एक बार इसको नोट डाउन करें उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में इसने क्या कहा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए बच्चे स्टेटमेंट पढ़ने में गलती करते हैं और फिर उसकी वजह से उनका आंसर जो है गलत हो जाता है, हमें स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी चाहिए। इसने सिर्फ ये कहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करना है, सोल्व नहीं करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं सर सोल्व भी करना है सोल्व भी करना है, नहीं सोल्व नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट पार्ट में इसने क्या कहा, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है, चलो ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, कि जो लेंथ है प्लॉट की वो उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है। तो मान लीजिए ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसकी ब्रेथ मैंने कितनी मान ली x मीटर, कितनी मान ली भाई x मीटर। तो लेट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर, x मीटर मान ली। तो इसने क्या कहा है कि जो उसकी लेंथ है वो उसकी ब्रेथ के दो गुना से एक ज्यादा है, वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो एक ज्यादा है दो गुना से। तो इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हो जाएगी भाई दो गुना से एक ज्यादा है, तो दो गुना से एक ज्यादा कितने मीटर हो गई। इसका एरिया एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया कितना दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, तो मैंने यहां लिख दिया 528। अब यहां पर एरिया किसके इक्वल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 528, लेंथ कितनी है 2x प्लस 1, सो 2x प्लस 1 इनटू ब्रेथ कितनी है x, x इज इक्वल टू 528। अब इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे x, और ये 528 इधर आएगा माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपका जो है जनरल फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो उम्मीद है इतना आपको अच्छे से समझ में आया। हमें यहाँ पर क्या करना था, सिर्फ रिप्रेजेंट करना था किस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, तो वो हो चुका है। मैंने यहाँ पर जो ब्रेथ है वो x मीटर कंसीडर की, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x प्लस 1, तो लेंथ इंटू ब्रेथ 528 के इक्वल, वैल्यूज पुट की सॉल्व किया तो ये इक्वेशन आ गई। तो एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद सेकेंड पार्ट देखिए भाई, सेकेंड पार्ट में इसने क्या कहा है, सेकेंड पार्ट में इसने कहा द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स।
हमें एक ऐसे इक्वेशन बनानी है जिससे हमारे इंटीजर्स फाइंड आउट हो जाएं, और दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट 306 है। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं आपको अच्छे से पता होगा, एक से बढ़कर एक। अगर एक नंबर x मान लिया तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस वन। लेट द फर्स्ट नंबर बी, लेट द फर्स्ट नंबर बी, मैंने पहला नंबर x मान लिया तो जो सेकेंड नंबर है वो कितना हो जाएगा, x प्लस वन। और प्रोडक्ट किसके इक्वल दे रखा है, प्रोडक्ट सर 306 के इक्वल दे रखा है, तो x इंटू एक्स प्लस वन ये किसके इक्वल हो गया, 306। इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को वन से करेंगे x, और ये इधर आएगा माइनस किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल। तो ये आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया, तो एक बार इसका नोट डाउन करें और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद थर्ड पार्ट में इसने क्या कहा, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, कि जो रोहन की मम्मी है उसकी उम्र 26 साल ज्यादा है रोहन से। ठीक है भाई, तो ज्यादा है तो मान लीजिए लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स, कि जो रोहन की प्रेजेंट एज है वो क्या मान ली मैंने, एक्स ईयर्स मान ली। तो रोहन की जो मदर है उसकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26 ईयर्स, क्योंकि रोहन की मम्मी जो है रोहन से 26 साल बड़े हैं, तो इसलिए रोहन की एज में मैंने 26 क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये रोहन की मम्मी की एज आ जाएगी। उसके बाद इसने क्या कहा, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ का मतलब क्या होता है कि 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद जो उनकी आयु है दोनों के, उनका गुना उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 360। देखिए मान लीजिए आज मेरी एज जो है वो 20 ईयर्स है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 20 प्लस 3 यानी कि 23। तो ऐसे ही यहां पर अगर रोहन की प्रेजेंट एज x ईयर्स है तो 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे कि सर x प्लस 3 हो जाएगी। अगर रोहन की मम्मी की एज आज x प्लस 26 है तो वो भी तो बढ़ेगी, तो वो कितनी हो जाएगी, 3 ऐड करेंगे x प्लस 29। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आप यहां पर लिख सकते हैं 80 क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 360। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए सर, क्या आ जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, और x को 29 से करेंगे तो 29x, 3 को x से करेंगे 3x, और इसको 29 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 87 इज इक्वल टू 360। तो कितना आ गया, x स्क्वायर 29 प्लस 3 आप कहेंगे कि सर 32x, और ये इधर आएगा माइनस, अगर 87 माइनस किया जाए तो कितना हो जाएगा, माइनस 273। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, हमें इक्वेशन ही तो फॉर्म करनी थी। तो देखिए कितना सिंपल है, मैंने रोहन की प्रेजेंट एज x मान ली, रोहन की मम्मी की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 26। इसने क्या कहा, 3 साल बाद इनकी उम्र का प्रोडक्ट 360 हो जाएगा, तो 3 3 ऐड कर दिया दोनों में, प्रोडक्ट किया 360 के इक्वल रखा, तो सोल्व किया तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, और हमें सिर्फ इक्वेशन ही फॉर्म करनी थी। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया। उसके बाद जो है लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का, ये क्या कहता है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। भाई एक डिस्टेंस है, मान लो ट्रेन यहां से स्टार्ट हुई और यहां तक गई, और ये डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाए तो प्रेजेंट एज जो वो है स्पीड वो मैंने क्या मान ली, लेट एज ऑफ द ट्रेन एक्स किलोमीटर पर आर, और जो बड़ी हुई है वो कितनी मतलब घट गई तो कितनी हो जाएगी, अब एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आर। तो भाई देखिए डिस्टेंस सेम चल रहा है, आपने छोटे क्लासों में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो डिस्टेंस है या फिर जो डिस्टेंस है वो क्या होता है आपका, या फिर अगर मुझे टाइम निकालना है तो टाइम क्या होता है,
डिस्टेंस बाय स्पीड, समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल। यही तो पहले जो टाइम लग रहा था वो मैंने टाइम टी वन मान लिया, डिस्टेंस 480 था और स्पीड कितनी थी x थी। बाद में टाइम जो है वो मैंने मान लिया टी टू लग रहा है, डिस्टेंस सेम है तो इसलिए 480 रखा और स्पीड कम हो गई क्या x माइनस 8, तो मैंने x माइनस 8 लिखा। अब डिस्टेंस और ये स्पीड से मैंने दोनों टाइम निकाल लिए तो क्या, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ये टाइम और ये टाइम किस में ज़्यादा टाइम लग रहा होगा भाई, जिसमें स्पीड कम हो गई उसमें तो लग रहा होगा, यानी कि इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है और इसमें कम, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि T2 माइनस T1 दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है 3, T2 की वैल्यू क्या है 480 और x माइनस 8 इसकी वैल्यू क्या है 480 बाय में x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर आप एलसीएम लेकर सोल्व कर सकते हैं, देखिए 3 इनमें से कॉमन आ गया, अगर 3 कॉमन आएगा तो कितना बचेगा, ये 160 बाय x माइनस 8, 160 बाय x इज इक्वल टू 3, इस 3 से 3 कटा तो 1 बच गया। यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम क्या आएगा x माइनस 8 इंटू एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 160x माइनस 160x माइनस 8 इज इक्वल टू 1, तो क्या आ गया भाई 160x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 160x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0, 8 6 48 4 और 12 1280 इतना आ गया, और ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 8x, इससे ये कटा तो इक्वेशन क्या आ जाएगी एक्स स्क्वेयर माइनस 8x, ये उधर जाएगा माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। तो एक बार इसको नोट डाउन करें, तो भाई उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया। तो आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें आपका हमें बताना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं और हमें इक्वेशन फॉर्म करनी थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इन इक्वेशंस को सोल्व करना सीखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी करते रहें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या और कोई सजेशन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। सो आर यू लुकिंग फॉर अ बेस्ट कोचिंग क्लास अराउंड यू, एंड इफ यू आर वाचिंग दिस आई एम प्रीटी श्योर यू डू। सो प्रेजेंटिंग यू द इग्नाइट एजुकेशन सेंटर, व्हिच प्रोवाइड्स यू ऑफलाइन क्लासेस इवन इन द लॉकडाउन, एंड नॉट गोना मेंशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द COVID-19 प्रोटोकॉल्स फॉर योर्स एंड आवर सेफ्टी। So do you see the confidence in the teachers? I'm pretty sure you do, because we have got an experienced, amazing, beautiful young staff for your children. And what's the best part? Each student is given proper personal attention and interaction during the class. How? Because we have limited number of students in each batch. Not to mention chapter-wise printed handwritten notes for every standard. Not just that, but a library with loads of books of every genre. Yes, correct, you see it right. Trips and tours to amazing places, and who don't wants to do that while studying? With all that, there's a plus point, that is occasional motivational classes and regular PTNs. आपकी लाइफ है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। Did I happen to mention the online classes that we have? Well, you got it right. We got online classes for each subject. You still got any doubts? Well, just don't bother. Come over, see for yourself.